नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया दीदी। आज हम क्या नया सीखेंगे? क्यों ना आज मैं आपको कबीर दास जी के दोहे सिखाऊं, ठीक है? हाँ दीदी, आपने पहले हमें बताया था कि दोहे हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सरल फॉर्मूले होते हैं। आज भी हम एक नया फॉर्मूला सीखने को तैयार हैं। अरे वाह, आपको फॉर्मूले वाली बात याद रही, बढ़िया। तो सुनो ये नया दोहा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। अच्छा, अब आप एक बार मेरे साथ दोहराओगे? हाँ दीदी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। पर दीदी, इसका मतलब क्या है? बताती हूँ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि सबको ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे सबका मन विभोर हो जाए, सबको शांति मिले, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए, अर्थात आपकी मधुर वाणी सुनकर आपका स्वयं का मन भी शीतल हो और उसे सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए। मतलब हमें किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमें मन में सिर्फ अच्छे ख्याल और जुबान पे शीतल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे सबको खुशी मिले। एकदम सही। जब भी आप किसी से प्रेम पूर्वक बातें करते हैं तो वह घाव पर दवा का काम करती है और राहत भी पहुंचाती है, परंतु जब कोई खुश हो और हम कड़वे शब्द बोलकर किसी का तिरस्कार कर दें तो हर शब्द किसी हथियार के समान उन्हें महसूस होता है और सामने वाले की मनोदशा यानी मूड एकदम खराब हो जाता है। और कई बार तो किसी के कहे बुरे वचनों के कारण लोग अपनी खुद की काबिलियत पर ही आशंका करने लगते हैं, जिससे अनजाने में हम उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा दीदी। यही नहीं, अच्छी बातें और व्यवहार से हम अनजान लोगों को भी अपना बना सकते हैं और सभी लोग फिर आपका सम्मान भी करते हैं। वहीं कटु वाणी या कड़वी बातें करने से अपने भी पराये होने लगते हैं। तो दीदी, हमें क्या हमेशा लोगों की तारीफ ही करते रहना चाहिए? कोई कुछ गलत करे तो उसे बताना नहीं चाहिए क्या? ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमारे कोई जानकार सही मार्ग से भटककर दुष्कर्म करने लगे तो हमारा यही फर्ज होता है कि हम समझाकर उन्हें सही राह दिखाएं, परंतु उस प्रयास में भी हमारी वाणी हमेशा प्रेम से भरी हुई रहनी चाहिए। कटु वाणी बोलकर हम दूसरे को सिर्फ हानि ही पहुंचाएंगे और वह आपकी बात मानकर सुधरने के बजाय आपको ही बुरा भला कहेगा। समझ गए दीदी, अच्छी वाणी का मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना ही नहीं है, बल्कि प्रेम पूर्वक बात करने से है। हमेशा आदर, सम्मान और प्रेम पूर्ण शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, है ना दीदी? हाँ, बिल्कुल सही समझे। परंतु अब हमें यह बात सिर्फ जाननी ही नहीं है बल्कि अपने जीवन में अपनानी भी है। हाँ दीदी, यह बात हम हमेशा याद रहेंगे एक नए फॉर्मूले के रूप में। बहुत बढ़िया, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस पर अमल जरूर करोगे। चलो अब अपनी फूल कुमारी दीदी को दो विदा, फिर मिलेंगे। धन्यवाद दीदी, फिर मिलेंगे।